इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुलाई को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जा सकते हैं पीएम मोदी। यूपी को एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों की देंगे सौगात। असम दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा सीए के कारण देश के किसी मुसलमान को नहीं होगा नुकसान। मोहन भागवत ने कहा सीए और एनआरसी का हिंदू मुस्लिम विवाद से लेना देना नहीं, राजनीतिक फायदे के लिए दिया सांप्रदायिक रंग। मोहन भागवत का बयान, भारत को धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र दुनिया से सीखने की जरूरत नहीं, यह हमारे खून में है। दिल्ली सरकार ने किसानों को जंतर मंतर आने की दी इजाजत, हालांकि दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है लिखित परमिशन। पुलिस की निगरानी में जंतर मंतर जाएंगी किसानों की बस, पहचान पत्र की जांच के बाद ही अंदर जाने की मिलेगी इजाजत। किसानों को शाम 5 बजे प्रदर्शन खत्म करना होगा, लौटना होगा। सुरक्षा के मद्देनजर तैनात की जाएंगी अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां। सिंघू बॉर्डर पहुंचे पूर्व सीएम ओपी चौटाला, कहा गुरुवार को संसद का करेंगे घेराव, सरकार वापस ले तीनों खानों। अब 25 जुलाई को फाइनल होगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, पहले 22 जुलाई को होना था फाइनल। 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं की प्राइवेट छात्रों की परीक्षा। डीआरडीओ ने किया मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण, मिसाइल के जरिए आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मजबूती। जासूसी मामले पर बोली ममता बनर्जी, मोदी सरकार जासूसी पर बहुत पैसे खर्च कर रही है, मैंने अपना फोन प्लास्टर कर दिया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा ममता बनर्जी और उनकी सरकार करती है पेगासस का इस्तेमाल। पेगासस जासूसी पर बोले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, कहा सरकार की बदनामी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, छत्तीसगढ़ आए थे पेगासस बनाने वाली कंपनी के अधिकारी, जांच के लिए बनाई गई कमेटी। भूपेश बघेल ने कहा मामले की होनी चाहिए जांच, सरकार बताए कि एनएसएस से डील हुई या नहीं। 28 जुलाई को शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति करेगी बैठक, आईटी और गृह मंत्रालय के सदस्य भी होंगे मौजूद। संसद की रणनीति बनाने के लिए गुरुवार को होगी विपक्षी दलों की बैठक, किसान और जासूसी के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगा विपक्ष। 23 जुलाई को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे सिद्धू, चंडीगढ़ के पंजाब कांग्रेस भवन में होगा कार्यक्रम। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन, करीब 60 विधायकों के साथ स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने कहा सिद्धू क्यों मांगे अमरिंदर से माफी, कैप्टन को जनता से मांगनी चाहिए माफी। सिद्धू के घर पहुंचे कांग्रेस विधायक मदन लाल ने कहा 2022 के चुनाव सिद्धू ही जिताएंगे, सीएम को किया जा रहा है गुमराह। टीएमसी के शहीदी दिवस कार्यक्रम पर ममता ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के मनी मसल और माफिया पावर के बाद भी जीते। ममता ने बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की खबरें खारिज की, बीजेपी पर देश की संस्थाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा जब तक बीजेपी को बाहर नहीं कर देते तब तक खैला होबे, 16 अगस्त को टीएमसी मनाएगी खैला दिवस। ममता बनर्जी ने कहा गरीब बच्चों को देंगे फुटबॉल, जब तक बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं होती तब तक पूरे देश में खैला होगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर बीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली में राजघाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिलीप घोष का धरना। दिलीप घोष ने कहा बंगाल में हमारे 175 कार्यकर्ताओं की हुई है हत्या, श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पर है यह धरना। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर लगाया आरोप, कहा मेरे साथ साथ सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के फोन टैप कर रही है ममता सरकार। बीजेपी ने प्रेम शुक्ला और शाजिया इल्मी को बनाया राष्ट्रीय प्रवक्ता, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की संख्या हुई 25। गृह मंत्री अमित शाह से मिले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑक्सीजन की कमी से मौत पर छिड़ा घमासान, बीजेपी ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड का लगाया आरोप। संबित पात्रा ने केजरीवाल पर उठाए सवाल, कहा दिल्ली सरकार की कमेटी ने कोर्ट में कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ने माना ऑक्सीजन की कमी से हुई करीब 22 मरीजों की मौत। संबित पात्रा ने शिवसेना पर लगाया आरोप, कहा महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने की कही बात। सत्येन जैन ने ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने को बताया झूठ, कहा अगर कमी नहीं होती तो अस्पताल हाईकोर्ट क्यों जाते। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने वाले बयान पर सियासत तेज, संजय राउत ने कहा अपनों को खोने वाले सरकार पर करें मुकदमा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा ऑक्सीजन को लेकर दबाव था, ऑक्सीजन की कमी से मौत से इनकार। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का चैलेंज, केंद्र बताए कि राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई या नहीं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा राज्यसभा में हेल्थ मिनिस्टर ने झूठ बोला, कई राज्यों में हुई ऑक्सीजन की कमी से मौत। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी थी तभी तो केंद्र से मांगी थी ऑक्सीजन। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री का बयान प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 42,015 लोग संक्रमित, 3,998 लोगों की मौत। सीरम इंस्टीट्यूट ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में बदलाव की मांग की, क्लिनिकल ट्रायल वाले नॉन कोविड वैक्सीन के निर्माण और भंडारण की मांगी अनुमति। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 62 लोग संक्रमित, 4 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 55 नए केस, बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत, 107 लोग ठीक हुए। 24 और 25 जुलाई को केरल में होगा कंप्लीट लॉकडाउन, 23 जुलाई को होगी कोरोना की मास टेस्टिंग। चोटिल भारतीय तेज गेंदबाज अवेश खान मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे, बीसीसीआई ने दी जानकारी। ब्रिस्बेन करेगा 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी,
आईओसी ने लगाई मुहर। साल 1956 और 2000 में कर चुका है मेजबानी और ओलंपिक की मेजबानी का मौका मिलने से ब्रिस्बेन में जश्न का माहौल, लोगों ने खुशी का किया इजहार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।